बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सरज इन्फॉर्मेटिव चैनल में मेरे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? आज आपके लिए बहुत ही अहम ख़बर लेकर आई हूँ। 4 महीने के बाद फरहान सईद ने आखिर असल ख़बर बता दी कि उनकी डिवोर्स की असल रीज़न क्या है। पाकिस्तान की मशहूर तरीन जोड़ी उर्वा हैकन और फरहान सईद में अलहदगी की असल वजह 4 महीने के बाद फरहान सईद ने डिक्लेयर कर दी। ये शादी तकरीबन 3 साल रही और 3 साल के बाद अलहदगी हो गई। इनकी शादी शोबिज़ इंडस्ट्री की सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन शादी और ख़ूबसूरत कपल था, जो कि इनके देखने वाले चाहने वाले लोग इनको बहुत पसंद करते थे, इनके कपल को, और बहुत खुश होते थे इनको देखकर। इनकी शादी बहुत अरसा सोशल मीडिया की रौनक बनी रही। बहुत लोग इनके फॉलोअर्स थे, इनके इंस्टाग्राम पे बहुत लोग इनको लाइक करते थे, इनके कपल को, और बहुत खूबसूरत कपल। इनके चाहने वाले ये सुनकर बहुत हैरान हो गए कि इनके इनमें अलहदगी हो गई है। मगर चूंकि उर्वा हैकन और फरहान सईद की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, आखिरकार 4 महीने के बाद फरहान सईद ने यह हकीकत खोल दी कि असल हकीकत क्या है, इनकी डिवोर्स की असल रीज़न क्या है। फरहान सईद ने इस इंटरव्यू में अपना स्टेटमेंट देते हुए कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर की उर्वा हैकन के साथ। उनकी इजवाजी ज़िंदगी स्टार्ट में तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर चूंकि उर्वा हैकन अपने अजवाजी ज़िंदगी को कुछ वक्त नहीं दे रही थी, इनकी सारी ज़िंदगी शोबिस के लिए थी और वो अपने अजवाजी ज़िंदगी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उनका ज़्यादातर फोकस अपने करियर की तरफ था। वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उनके शूट्स और उनके प्रोजेक्ट्स ही ख़त्म नहीं हो रहे थे कि वो अपनी अजवाजी ज़िंदगी पर फोकस कर सकती। चूँकि फरहान सईद अपनी फैमिली ग्रो करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी फैमिली बढ़े, ड्यू टू दिस रीज़न उनके बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ने लगे। अगर व्यूअर्स आकर आपको मेरी वीडियोस और मेरी अपडेशंस अच्छी लगा करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस मेरे व्यूअर्स को बरवक्त पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स बताती चलूं कि इसी दौरान इनकी जो सास हैं फरहान सईद की, जो वालदा हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो फरहान सईद की औलाद देखें, और उन्होंने बार बार उर्वा हैकन को भी कहा और फरहान सईद को भी कहा, जिसकी वजह से इन दोनों के माबेन ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो इस हद तक पे पहुँच गईं कि उन्होंने डिवोर्स ले ली। उन्होंने अपने करियर को, मतलब पहली प्रायोरिटी अपने करियर को दी, जबकि फरहान सईद ये चाहते थे कि अब उनकी फैमिली ग्रो करे। दैट्स वाई उनकी जो लाइफ है वो आगे तक नहीं बढ़ सकी। 3 साल के अरसे से ज़्यादा वो अपना वक्त एक दूसरे के साथ नहीं गुजार सके, जबकि बहुत ही खूबसूरत कपल, लोगों का पसंदीदा कपल, और लगता नहीं था कि ये कपल इतनी जल्दी एक दूसरे से जुदा हो जाएगा। अमूमन तो शोबिज़ में ज़्यादातर मैरिजेस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहती हैं, मगर इतनी उम्मीद नहीं थी इनके चाहने वालों को कि ये कपल इतनी जल्दी अलहदा हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी अपडेशन अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।